नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक का आपका और मेरा सफ़र बहुत ही शानदार चल रहा है। आशा करता हूँ आगे भी ये सफ़र है ये चलता रहेगा, और इस सफ़र की एक श्रृंखला में मैं राजस्थान की लोक देवियाँ लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, समसामयिक की सूझ से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लाता रहूँगा। आज जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की लोक देवियाँ, और ये जो टॉपिक है मैं संभाग वाइज पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज होने करने की कोशिश रहेगी, और वहाँ पर आप एग्जाम हॉल में आप उस आंसर को दे पाओगे, और सब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों प्रकार के एग्जाम में आपके समक्ष जो सुविधा है वो आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे केला देवी के बारे में। पहले भरतपुर संभाग से ले रहा हूँ मैं, और केला देवी का जो मंदिर है करौली से 25-30 किलोमीटर दूर गांव है, उसका नाम है केला गांव, वहाँ पर स्थित है करौली केला देवी का मंदिर। देखिए करौली का जो यदुवंश है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यादव वंश करौली का इतिहास, तो आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आपको। तो यदुवंश है, यादव वंश उनकी कुलदेवी मानी जाती है ये। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केला देवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार का क्वेश्चन पटवारी में पूछा है, इस देवी के कभी भी मांस का भोग है वो बिल्कुल नहीं लगता। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, वहां पर ऑप्शन था कि जहाँ कभी भी मांस का भोग नहीं लगता किसी भी देवी के, तो वहां पर ये ऑप्शन था केला देवी। और पटवारी 2011 में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इसका जो मंदिर है केला देवी का मंदिर, ये कालीशील नदी है उसके तट पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में स्थित है। देखिए ये कालीशील नदी है, जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी, ये कालीशील नदी के बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ। कालीशील नदी है ये करौली जिले की जो सपोटरा तहसील है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है दोस्तों, लेकिन आप समझें क्योंकि आपके नदियों भी आपके सिलेबस में है। तो करौली जिले में सपोटरा तहसील है, और सपोटरा की जो तहसील की जो पहाड़ियां हैं वहां से जो निकल कर ये मोरेल नदी के साथ मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है? सपोटरा तहसील पहाड़ियों से निकलकर मोरेल नदी में मिल जाती है। अब और मोरेल नदी है वो आगे जाकर किस में मिल जाती है? बनास में। तो ये एक तरीके से कालीशील नदी है, बनास की सहायक नदी होगी। अब मोरेल नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, मोरेल नदी कहाँ से निकलती है? मोरेल नदी दोस्तों निकलती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका लेकिन जस्ट फॉर आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जयपुर जिले में जो बस्सी तहसील है वहां से निकलती है, और वहां से जो बस्सी तहसील की जो चैनपुरा की गाँव की पहाड़ियां हैं, चैनपुरा गाँव की पहाड़ियां, वहां से ये दौसा, और दौसा से ये स्वयंबोधपुर में बहती हुई करौली का जो हाड़ोती गांव है वहां के निकट ये आकर बनास में मिल जाती है। तो ये तो आके हाड़ोती नामक स्थान पर आके बनास में मिलती है, और ये सपोटरा तहसील से निकल कर ये मोरेल नदी में मिल जाती है। तो ये एक तरीके से आप देख लेना, करौली में जो हाड़ोती गाँव है वहां पर ये दोनों मिलती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों चलते हैं, जो संगमरमर से ये निर्मित है केला देवी का मंदिर है, ये भव्य छतरियों और अनूठी वास्तुकला के कारण श्रद्धालुओं के प्रति ये बहुत ही आकर्षित है। यहाँ पर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु यहाँ पर मेले में बहुत चाव के साथ भाग लेते हैं। देखिए इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर लक्खी मेला भरता है। ये मेला है ये प्रतिवर्ष भरता है, तो ये चीज आप जरूर याद रखें, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला पड़ता है। ये लगभग मार्च अप्रैल माह के अंतर्गत आता है। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, जो मेन मुख्य मंदिर है वहां पर एक तो मूर्ति है वो केला देवी की है, और दूसरी मूर्ति साथ में ही है वो है चामुंडा देवी की। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें, केला देवी की जो मूर्ति है थोड़ी सी उसका जो सर है वो झुका हुआ है। तो ये कोई अपने ऐसे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में मंदिर परिसर के अंतर्गत ही एक हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर में वहां पर जो स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं लांगूरिया। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय भाषा में इसको लांगूरिया के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके जो भक्त हैं केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाते हैं, ये क्वेश्चन है, हजार बार आ चुका, आगे भी जन्मों जन्मों तक ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो जो केला देवी में जो भक्त हैं वहां के, वो केला देवी की आराधना में लांगोरिया गीत गाते हैं, ये भक्ति गीत होते हैं। और मैं आपको ये गीत है थोड़ा सा आपको इसके थोड़े बोल आपको बताना चाहूंगा, केला देवी की मंदिर में घुटरन खेलत लांगोरिया, लांगूर लियो रथ लगवाया, मैं जात
करौली को, इस प्रकार से ये गाते हैं। नेक्स्ट जो लैंग्वेज। मंदिर है वो है, हम लेंगे चौथ माता का मंदिर, और ये जो स्थान है ये चौथ का बरवाड़ा पड़ता है। देखिए दोस्तों सवाईमाधोपुर जिले में, तो ये चीज़ आप स्थान के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। इसके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं हैं मैं आपको बताता हूँ। जो सवाईमाधोपुर जयपुर रेल मार्ग है उस पर चौथ का बरवाड़ा ये ग्राम है, वहां पर ये पहाड़ी पर स्थित चौथ माता का मंदिर है। वहां से आपको जब रेल मार्ग से आप जाओगे तब तो वहां से आप बाईं हाथ में देखोगे तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ ये मंदिर है, चौथ माता का मंदिर। तो आप कभी जाओ तो वहां पर अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों जो चौथ माता है वो महिलाओं में विशेष पूजनीय है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ष है माघ कृष्णा तृतीया से और माघ कृष्णा अष्टमी तक यहाँ पर मेला बढ़ता है, विशाल मेला यहाँ पर लगता है। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो करवा चौथ है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तो ये था, स्थान का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। उसके अलावा जो करवा चौथ है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, और करवा चौथ का व्रत है वो महिलाएं हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती है। हाँ कुछ करती है कुछ नहीं भी करती। चलिए दोस्तों जो हिचकी माता का मंदिर है वो है सनवाड़ माता, जिसको सनवाड़ गांव है वहां पर ये पड़ता है, सनवाड़ गांव, और ये भी सवाईमाधोपुर के अंतर्गत है। तो ये कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपने को दो मंदिर हैं ये याद रखने हैं। अब हम बढ़ेंगे कोटा संभाग की ओर। अब देखिए दोस्तों कोटा संभाग के कुछ प्रमुख हैं माताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहली जो कोटा के अंतर्गत है, कोटा संभाग के अंतर्गत ब्राह्मणी माता का हम अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो 12 जिला, और 12 जिला के अंतर्गत जो अंता कस्बा है वहां से 20 किलोमीटर दूर है एक ग्राम का नाम है सोरसन ग्राम, वहां पर ये ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर है। और ये समूचे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें मतलब कि देवी की जो पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की ही पूजा अर्चना होती है, पीठ को ही भोग लगाया जाता है और पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। बाकी देखिए दोस्तों इसको नाम रखने याद रखने से, देखिए यहाँ पर 12 जिले में है और यहाँ से स्टार्ट भी ये बाहर से ही हो रहा है, तो ये याद तो रह जाएगा, लेकिन ये स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का एकमात्र ऐसा बताइए जहां पर पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की ही पूजा अर्चना होती है, पीठ पर ही भोग लगाया जाता है और पीठ के ही जो भक्त हैं वहां के वो दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर है वो विगत 400 वर्षों से अखंड ज्योति इसमें जल रही है, और इसके अंतर्गत भी एक मेला बढ़ता है। उस मेले का नाम आप जान सकते हो, माघ शुक्ला सप्तमी को यहाँ पर विशाल मेला है वो बढ़ता है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो है 12 जिले के अंतर्गत, और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो है विश्व का एकमात्र इस प्रकार का मंदिर बताइए जहां पर पीठ की पूजा होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं तो और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये हाड़ौती अंचल का एकमात्र ऐसा मंदिर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा में एक मंदिर है, उसका नाम है बधाणा माता का मंदिर, और ये हाड़ा चौहानों की कुलदेवी भी मानी जाती है ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। और जो मूठ की चपेट में आए हुए लोग हैं वो इनका इलाज यहाँ पर किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी है। तो अब मेन मेन जो मुख्य मुख्य जो कोटा संभाग और जो भरतपुर संभाग है उनकी जो लोक देवियां हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लेने की कोशिश की है। आगे भी मैं पर संभाग एक एक वीडियो ऐसा उठाऊंगा, हर दिन में एक एक पार्ट बनाऊंगा लगभग, और उसमें सभी प्रकार की जो लोक देवियां हैं मैं उनको समराइज करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को, और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाकर लेकर आऊँगा। कुछ लोग हैं देखिए दोस्तों देखते हैं शेयर भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो मात्र देखते हैं और आगे चलते हैं। देखिए दोनों का ही मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, दोनों को भी, जो मेरा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद। लेकिन मैं आशा करता हूँ अगर मेरी जो मेहनत है अगर उसको आप साक्षात्कार उसको रूप देना चाहोगे तो इस वीडियो को, जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में वादा करता हूँ आपसे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाकर लाता रहूंगा। तो जो नेक्स्ट हम जो लोक देवियों के अंतर्गत जो संभाग हम लेंगे तो वो ऊपर से स्टार्ट कर देंगे या फिर कोई और भी संभाग है, तो जहां पर जिस जिले में लोक देवियां ज्यादा हैं उनका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपके ज्यादा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, धन्यवाद।